हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एम, इज एंड आर, यानी कि एम, इज, आर का प्रयोग। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम, इज, आर का प्रयोग हम कब और कैसे करेंगे। जब वाक्य के अंत में हूं, है, हो या हैं मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग होता है। कोई भी एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी सेंटेंस के अंत में अगर हूँ, है, हो या हैं मुख्य क्रिया के रूप में लगा रहे, यानी कि मेन हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगा रहे, तब वाक्य के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग होता है। सेंटेंस में जो कर्ता होता है उसके अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे। एग्जाम्पल लेने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं एक छोटा सा तालिका को। इस तालिका में हम देख रहे हैं कि पर्सन है, सिंगुलर नंबर है और प्लूरल नंबर है। पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में वी होता है। उसी तरह से सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में यू होता है और सेकेंड पर्सन के प्लूरल में भी यू होता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही, शी, इट और कोई भी नाम होता है। उसी तरह से थर्ड पर्सन के प्लूरल में सिर्फ दे होता है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई होता है तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में वी होता है तो वी के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा। उसी तरह से सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में यू होता है तो यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा। और प्लूरल में भी यू होता है तो इसके साथ भी आर का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन में हम देखते हैं ही, शी, इट और कोई भी नाम होता है। तो जहाँ भी जो भी सब्जेक्ट रहेगा, अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट और कोई भी नाम है तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में अगर दे रहेगा तो दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को लेकर के। यहां पर मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं खुश हूं। तो मैं खुश हूं, मैं क्या है, मैं एक सब्जेक्ट है। खुश क्या है, खुश जो है ऑब्जेक्ट है। और हूं क्या है, हूं जो है एक हेल्पिंग वर्ब है यानी कि मुख्य क्रिया है। तो इसका ट्रांसलेट बनाने के लिए हम इस तालिका का हेल्प लेंगे। मैं का इंग्लिश क्या होता है, मैं का इंग्लिश होता है आई। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम। तो खुश का क्या होता है इंग्लिश, खुश का होता है हैप्पी। तो इस तरह से मैं खुश हूं का ट्रांसलेट बन गया आई एम हैप्पी। उसी तरह से सेकेंड है, हम लोग अमीर हैं। हम लोग का क्या होता है इंग्लिश, वी। और इस तालिका में हम देख रहे हैं कि वी के साथ आर का प्रयोग होता है तो वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे। अमीर का क्या होता है इंग्लिश, रिच। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेट बन गया वी आर रिच। थर्ड है, वे लोग तैयार हैं। तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, तो वे लोग का होता है दे, टी एच ई वाई, दे।
तो दे के साथ आर का प्रयोग होगा। तो दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। वे लोग तैयार हैं। तैयार, तैयार का इंग्लिश क्या होता है? रेडी, READY, रेडी। तो इस तरह से ट्रांसलेट बन गया, दे आर रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम खुश हो। तुम का इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तुम खुश हो, यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पर सिंगुलर लेंगे। तो यू के साथ आर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर भी हम आर लिखेंगे। यू आर खुश का हैप्पी, तो इसका ट्रांसलेट बन गया यू आर हैप्पी। आप लोग तैयार हैं। आप लोग यानी कि आप लोग बहुत सारे लोग हैं, यानी कि ये जो है वो प्लूरल में आ जाएगा, सेकेंड पर्सन के प्लूरल में आ जाएगा। और सेकेंड पर्सन के प्लूरल में यू होता है, और यू के साथ भी आर का प्रयोग होता है, और सिंगुलर के साथ भी आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आर का ही प्रयोग करेंगे। तो यू आर रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह मजबूत है। यह, यहाँ पर हम लोग देखे थे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में देखे थे हम लोग, ही शी इट के और नेम के साथ हम हमेशा इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है यह मजबूत है, तो यह का इंग्लिश क्या होता है? इट, और इट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है, और मजबूत का क्या होता है इंग्लिश? स्ट्रांग। तो इस तरह से सेंटेंस बन गया, इट इज स्ट्रांग। नेक्स्ट है, राम दयालु है। तो राम और कोई भी नाम हो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, कोई भी नाउन हो, कोई भी नाम हो, तो उसके साथ हमेशा इज का ही प्रयोग करते हैं। तो राम दयालु है, तो राम इज काइंड। वह बीमार है। यहां पर देखिए, वह बीमार है, यहां पर पता नहीं चल रहा है कि वो कौन सा जेंडर है। यहाँ पर ही का भी यूज हो सकता है और सी का भी यूज हो सकता है। यहाँ पर हम देखे हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही शी इट और कोई भी नाम के साथ इज का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर भी इज का ही प्रयोग करेंगे। इज बीमार है यानी कि इल। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। एक विद्यार्थी हूँ, आई एम या स्टूडेंट। नेक्स्ट है, तुम लोग लड़के हो। तुम लोग लड़के हो यानी कि ये आ जाएगा सेकेंड पर्सन के प्लूरल नंबर में, तो यू और यू के साथ भी आर का प्रयोग होता है, तो यू आर बॉयज। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यूज ऑफ एम, इज एंड आर का प्रयोग। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।